on dividing a number by 9. The quotient is 12. And remainder is 7. So the number is a student put up at 114, 90, 115, and last option is 108. Ma'am, 108. Correct. What list number? What list number must be subtracted from 543 to get a number exactly divisible by 8? So 7 is the required list number हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? राजीव की आवाज थी, वेरी गुड राजीव. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखेंगे स्टूडेंट आप लोग, बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपके पेपर. द नंबर 4318 should be divided by which number so that quotient is 70? Option A, 253. Option B, 254, 244, and 354. Quotient से divide कर दीजिए student. So how many times? 13 to 17 to 34. 34 means 13 minus 4 means 5254. Check le, please. Done. Next question. Yes, what must be added to? Yes. So that the quotient is 243. On dividing by 12.
यस व्हाट विल बी आंसर सेवन फोर फाइव मैम सिक्स नो आंसर व्हाई 243 जब डिवाइडिंग करेगा तो उसको क्या कर लेंगे अपन अपोजिट कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि ये क्वोटेंट आंसर है तो 12 से डिवाइजर से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल कम 2910 है ना और इसको माइनस कर दीजिए 2910 माइनस सॉरी 16 माइनस 2910 माइनस कर दीजिए हाउ मच 6 आ गया यस मैम यस मैम है ना यस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88 ऐसे फोर डिजिट के नंबर बता सकते हैं आप लोग नंबर है 9944 सेकंड नंबर है 9988 और थर्ड ऑप्शन इज 9996 और फोर्थ नंबर इज 9968 मैम 9996 गौरांग क्या कर रहे हो तुम गेसिंग फोर्थ ऑप्शन 9966 9966 कैसे लेकिन हाउ एग्जैक्टली डिवाइड तो करिए करके देखिए पहले कि गैसिंग में आंसर निकल रहे हैं आप लोग तो? हमारा नंबर फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 999 फोर टाइम्स 9 एंड डिवाइडेड बाई 88 हाउ मेनी टाइम्स 113 टाइम्स 113 टाइम्स एंड देन लास्ट जो है आपका रिमाइंडर बचने वाला है 55 तो आप क्या करेंगे दिस नंबर माइनस दिस वन तो 9999 माइनस 55 देन गेट 4499 तो आंसर आएगा फर्स्ट हुआ कि नहीं मैम हो गया हाँ 88 को 113 टाइम्स तक के जाएगा देन 55 रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर को 9999 से माइनस कर दीजिए आंसर वेलकम नेक्स्ट क्वेश्चन विच नंबर इज फॉलोइंग नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 याद है 11 का रूल याद है आपको
वही 11 नंबर आपको दिया है 1552। सेकंड ऑप्शन है 1331। ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि 11 मल्टी 11 स्क्वायर इज 121 एंड 11 क्यूब इज 1331 1882। कोई लिखने का मतलब ही नहीं है ऑप्शन, बट मैंने तो आपको बताया कि ये डिविजिबल है क्योंकि ये 11 क्यूब है। 11 क्यूब का आंसर मीन्स इट इज दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 11। आप लोग अभी भी टाइम है, एक दिन निकाल के बहुत अच्छे से रूट और क्यूब रूट रेडी कर लो। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिविजिबल बाय 3। द नंबर एट दिस वन, फोर वन टू थ्री, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैम? 1 आएगा। इनमें से कौन सा नंबर है जो वो एग्जैक्टली 11 से डिवाइडेड हो जाएगा? मैम वन मैम। यस मैम, करेक्ट है। गुड स्टूडेंट, अपने आप को एक मार्क्स दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग 55055 बाय 11, by 11, the quotient obtained is, the quotient obtained is 5005 ऑप्शन 3 मैम। 2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अपने आप को एक एक नंबर दे दीजिए स्टूडेंट। मैम क्योंकि 5 टाइम्स जाएगा, फिर 0, फिर 0 टाइम्स जाएगा और फिर 5 टाइम्स जाएगा। ओके, आपसे आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे ना स्टूडेंट? यस मैम। और राजीव, कैसी तैयारी चल रही है बेटा? अच्छे से चल रही है? Yes, ma'am. Okay, chale, next question. The product of the two number is 8192. 1 of them number is 2 times,
बहुत ध्यान से करेंगे स्टूडेंट. दस द स्मॉलर नंबर इज व्हाट? आंसर विल कम. ये आ चुका है आपके 2018 का क्वेश्चन 8, 16, 32, 64. ऑप्शन और ऑप्शन नंबर वन कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको? लेट मी टेक द एक्स एक्स लेके करने में इजी रहेगा क्या? देखिए एक नंबर बोलता है वाज फर्स्ट नंबर टू टाइम्स ऑफ द सेकंड मींस फर्स्ट नंबर क्या होगा? आई यूज दिस ब्लू इंक फॉर सॉल्यूशन दैट्स व्हाई क्लियर टू यू. या एक्स इनटू टू एक्स. वन नंबर जो है वो टू टाइम्स लेना है दूसरे से तो वन एक एक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा और दोनों का एक्स इंटू टू एक्स इक्वल टू आपका प्रोडक्ट निकल रहा है 8192. अब बताइए क्या करना है? ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स छोड़ दीजिए और 8192 डिवाइडेड टू. वैसे कर सकते थे 2x स्क्वायर भी करके लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा. 4096 फोर टाइम्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4096. एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका लास्ट नंबर 4 हो क्योंकि 4 4 16 आ गया x इक्वल टू होल रूट 4096 गेट 64. यस मैम. यस मैम. है ना? एकदम इसको स्क्वायर करने करके मत बैठना नहीं तो मुश्किल जाएगी फिर लेट भी हो जाएगा. और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखा है. The number is 13013 is divisible by 30. The smallest 5-digit number beginning with 14 and exactly divisible by 13. Are you able to solve? Dekh lijiye and divisible. By 13. Four option भी दिए हैं 10 1 4 0 4 0. Second option जो है 1 4 0 0 1 1 4 0 0 1. Third option is 10 1 4 0 1 4. And fourth option is 4 0 4 0. 27. चार ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट. मैम 1 4 0 4 0. ऑप्शन बोलिए सर. मैम और फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. द स्मॉलेस्ट मैम ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी मैम फोर्थ ऑप्शन.
सही है मैम। हाउ कैसे लिया? देखिए 13 डिवाइडेड बाय 14000, इससे डिवाइड करेंगे ना तो 107 टाइम्स 1076 के करीब बता रहा है, और लेकिन रिमाइंडर बच जाएगा 12, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे अपन, क्या करते हैं 14000 प्लस इन ब्रैकेट 13 माइनस 12, ये रूल फॉलो कर लो तो ये कितना हो जाएगा 14000 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1, इन दोनों को प्लस किए तो 14001 आंसर आ गया। इसमें गैसिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्या नाम है गौरांग, सबसे पहले फाइव डिजिट नंबर बिगिनिंग विद द 14 बोलता, 14 से स्टार्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके आगे 30 लगा के इसको फाइव डिजिट नंबर बना दिया, और फिर डिविजिबल बोलता है 13, तो 13 से डिवाइड करो तो 1076 के बाद बंद हो जाएगा ये, क्योंकि एंडिंग 12 है, 12 इतना रिमाइंडर इतना 12 कम है कि डिवाइजर ज्यादा है ना बेटा, इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 14000 प्लस इस दोनों को माइनस कर दो वन, और आंसर विल कम। यस मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, राजीव समझ में आया ना बेटा? यस मैम। चलो ठीक है फिर, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मजे वाले। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, तब तक की तुम लोग उसको ध्यान से सुनना बच्चों। द गिवन क्वेश्चन इज द क्वेश्चन फिगर एंड फोर ऑप्शन 1, 2, 3, 4, और सिलेक्ट वन इज द विच, क्वेश्चन फिगर इज हिडन, इसमें छुपा हुआ है क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्वेश्चन फिगर मतलब हाइड है, तो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिगर है, ये बाहर निकला हुआ है इसका, इसको फिगर अच्छे से मेंटेन करके देख लीजिए, एंड देन ये ऑप्शन बोल रहा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि काफी ट्रबल क्रिएट करते हैं ये वाले क्वेश्चन। इतनी ऑप्शन बन गए स्टूडेंट, एक ऑप्शन और बचा है, इसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी से जल्दी। ये लीजिए स्टूडेंट, मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है, इन फोर ऑप्शन में क्वेश्चन फिगर ऐड है, कौन सा है वो देख के बताइए मुझे।
ये स्क्वायर की जगह राउंड समझिएगा स्टूडेंट। एक मिनट मैं कलर वाला पेन उठा लूं हाथ में, वैसे ब्लू से भी मैं बना सकती हूँ। इसको पूरा कंप्लीट कर रही हूँ स्टूडेंट। फोर्थ वाला सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये तो अपोजिट है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है। यस फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट स्टूडेंट, यही हाइड करके रखा है हमारे क्वेश्चन फिगर को। Yes or no? Yes, ma'am. आज कितने बच्चे हो तुम लोग? मैम फाइव है। चलिए एक क्वेश्चन। मैम फोर। मैम फोर स्टूडेंट है और वन टू टीचर्स है। मैंने एक क्वेश्चन और बना रही हूँ और इसका ये हिडन पार्ट है स्टूडेंट, सॉरी ये क्वेश्चन है और इसका हिडन बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा ट्रबल हो फाइंड आउट करने में। वो हिडन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रबल करेगा, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन है, क्या इसमें हिडन है क्या ये वाला फिगर, चेक करिए तो क्या इसमें हिडन है। मैम ऑप्शन सेकंड। यस मैम ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आप लोग बता देंगे। मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सॉरी फोर्थ ऑप्शन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैम ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी. यस मैम. चेक करो चेक. ऑप्शन सी तो नहीं लग रहा स्टूडेंट. मैम ऑप्शन टू. मैम ऑप्शन टू है. हाँ ऑप्शन टू है भाई. ऑप्शन नंबर टू यही करेक्ट है. वही मैं बोली ना कि बहुत ध्यान से देख के इसको बताने का है आप लोगों को. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ स्टूडेंट. विनर प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी. बोलिए मैम. ऑप्शन थ्री. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर सेकंड. डी डी. ऑप्शन नंबर सेकंड. हाँ बिल्कुल सही है बच्चों. वेरी करेक्ट. एक नंबर दे दीजिए अपने आप को. हाँ बोलिए स्टूडेंट. कौन सा फोर ऑप्शन? मैम ऑप्शन नंबर फोर. मैम ऑप्शन फोर. एक नंबर ऐड कर लीजिए स्टूडेंट. मैम yes? मेरे को वो फोर्थ नंबर पे डाउट है. अरे ये जो है ना ये है ये ऐसा है और ये ऐसा बना है और ये उल्टा बना है. मैम तो वो ये जो सिक्स है वो तो हॉरिजॉन्टल टाइप का बना है. वो तो वर्टेक्स होना चाहिए ऐसे पलटेगा.
अरे बेटा वो थोड़ा सा हाथ का कमाल है बेटा और कुछ नहीं, उतने उस पे मत जाया करो। अगर ऐसे तुम लोग मिनी मैक निकालोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? ऐसे में सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। यस मैम, आपके क्लियर थॉट होने चाहिए कि वन किस टाइप से दिखेगा, सिक्स किस टाइप से दिखेगा, बोला? यस मैम। किसने पूछा कैसे? बताइए कैसा होगा, बना के कॉपी पे शो करिए। Which option is correct? खुद बनाइए कॉपी पर। Don't just on board. मैम ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर। मैम ऑप्शन फोर। मैम ऑप्शन फोर।